my channel. My name is Bansi and I'm going to share about food, fitness, productivity, lifestyle and yoga. तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको 5 मिनट की स्ट्रेचेस जो हम बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं हम बेड में अगर है अभी उठे ही नहीं है और हमें थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करना है तो ये हम फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम सेकंड करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर देंगे।
3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. अभी हम दोनों हाथों को शोल्डर के जो जॉइंट्स है वहां से हम रोटेट करेंगे, तो शोल्डर के जो जॉइंट्स है उसको भी स्ट्रेच मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे शोल्डर पे रख लीजिए और इनहेल करके ऐसे हाथों को टच करें और पूरा रोटेट करके एक्सहेल करें। वापस इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल एंड एक्सहेल। ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। यहाँ पे आपको अगर आपके दोनों हाथ ऐसे टच नहीं होते हैं देन डोंट वरी, बट आप रोज करेंगे ऐसे स्ट्रेचेस तो वो हो जाएगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक भी आता है तो भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो ये थी हैंड की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस। अभी हम करेंगे कमर की एक्सरसाइज। उसके लिए हमारी जो कमर है उसको हम ट्विस्ट करेंगे। तो ट्विस्ट के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे रख लीजिए और अपना एक हाथ जो है वो आप ऐसे कर लीजिए। अब जब हम इनहेल करेंगे, सबसे पहले हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते टाइम हम अपना बॉडी जो है वो पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, फिर इनहेल करके वापस, एक्सहेल करके दूसरे हाथ से हम ट्विस्ट करेंगे पीछे की ओर, इनहेल करके वापस, फिर आप ऐसे हाथ रख के ऐसे ट्विस्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो इसको किसी भी तरह से हमको अपनी कमर को ट्विस्ट करना है। तो हाथों की पोजीशन कोई भी रखें, एक्सहेल करते टाइम हमको पीछे आना है, इनहेल करते टाइम वापस आना है। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है उसके लिए हम अपने कमर की दोनों साइड स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपना जो पोजीशन है कंफर्टेबल पोजीशन उसमें बैठ जाएंगे और फिर इनहेल करते टाइम हमको बैंड होना है, एक्सहेल करते टाइम सेंटर, इनहेल करते टाइम राइट, एक्सहेल करते टाइम सेंटर, 1, एक्सहेल, 2, एक्सहेल, 3, एक्सहेल, 4, एक्सहेल। अब हम करेंगे लेग की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। तो उसके लिए सबसे पहले आप ऐसे लेग को स्ट्रेट दंडासन में बैठ जाइए। अपनी बैक को हमको ऐसे नहीं रखना है, बैक जो हमेशा है स्ट्रेट रहेगी, बैक को हमेशा स्ट्रेट रखें, कोई भी आसन करे प्राणायाम करे योग करे, ठीक है। तो अभी हम करेंगे पैरों को, हम पैरों के जो पंजे हैं उसको हम ऐसे रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, ऐसे दोनों पैरों को हम रोटेट करेंगे साइड बाय साइड ऐसे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब दोनों पैरों को साथ में रोटेट करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। कोई भी चीज हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, कोई भी आसन या प्राणायाम या एक्सरसाइज हम लेफ्ट से करते हैं तो राइट से करना भी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप जब लेफ्ट टू राइट करते हैं तो आपको राइट टू लेफ्ट भी करना पड़ेगा। तो ये था लेग रोटेशन। अभी हमको लेग का जो जॉइंट था उसका हमने रोटेशन किया, उसको हमने थोड़ा स्टिफ था तो रिलीज किया। अब हम करेंगे अपने थाइस की एक्सरसाइज। तो उसके लिए आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और उसके लिए एक पैर को आप ऐसे मोड़ लीजिए, जैसे हम आगे पाल लगाते हैं वैसे हम एक पैर को ऐसे दूसरे पैर के थाइस के नीचे रख लेंगे और फिर इनहेल करेंगे, एकदम डीप ब्रीथ करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और एक्सहेल करते टाइम अपने पैर के जो पंजे हैं उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पे आपके पैर जो है आपको दूसरा पैर जो है जिसको आप स्ट्रेट रख रहे हैं वो हमेशा स्ट्रेट ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे तो हर कोई कर लेगा ना, ऐसे नहीं करना है, हमको स्ट्रेट पैर रखना है और फिर
टच करने का ट्राई करना है. अगर नहीं भी हो रहा है देन ऑल्सो स्ट्रेच तो हो ही रही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. जितना हो रहा है आप उतना करें. ऐसे हम करेंगे. Thank you so much for watching this video and we'll see you in my next video.